नमस्कार बच्चों, हमने सूरदास के पद भाग एक में देखा कि सूरदास जी ने श्रृंगार रस के वर्णन के प्रथम पद में कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट किया है। उनका मन कृष्ण के अलावा कहीं और सुख नहीं पाता। उनकी आंखों ने कमल जैसे नयन वाले कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना करना नहीं चाहते। आइए अब देखते हैं सूरदास जी का दूसरा पद। अब देखते हैं पद की समझ शब्दार्थ के साथ। शोभित कर नवनीत, कर यानी हाथ, नवनीत यानी मक्खन। शोभित कर नवनीत लिए यानी कृष्ण के हाथ सुशोभित हो रहे हैं मक्खन को लेते हुए। गुटरुनी यानी घुटनों के बल, घुटनों के बल। चलन रेणु यानी धूल। तन यानी देह। मंडित यानी मंडराना। मुख दधि यानी दही। लेप किए। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं ये पद में कृष्ण के वर्णन की बात की गई है। तो घुटनों के बल चल रहे हैं कृष्ण, जिनके तन पर धूल मंडरा रही है, उनके मुख पर दही का लेप किया हुआ है। चारु यानी सुंदर। कपोल यानी बाल। लोल यानी चंचल। चंचल लोचन यानी नयन। गोरोचन यानी सुखड़ या फिर चंदन। तिलक दिए। तो देखिए यहाँ पर सूरदास जी ने कहा है कि सुंदर उनका कपाल है, बाल है उनका, और उनके जो नयन है वो चंचल है, और नयन के पास में ही सुखड़ का या फिर चंदन का तिलक उन्होंने किया है। लट यानी बालों का गुच्छा। लटकनी मनु, बालों का गुच्छा लटक रहा है मनु यानी मानो। और मत यानी मस्त, बालों का गुच्छा मस्त लटक रहा है मधुप यानी बौरा। गन यानी गाना। मादक यानी नशीला। मधुही यानी रसपान। तो यहाँ सूरदास जी ने कहा है कि उनके सर के बालों का गुच्छा लटक रहा है मानो जैसे मस्त बौरा गाना गा रहा है, और वो नशे में रसपान कर रहा है, ऐसा सूरदास जी को प्रतीत होता है। कंठुला कंठ यानी एक माला है जिसे हम बजरपट्टू कह सकते हैं। बजरपट्टू तो ये माला होती है जो ब्रज यानी उनका शस्त्र, श्री कृष्ण का शस्त्र। केहरी यानी सिंह जैसे नख यानी नाखून। तो कृष्ण के सिंह जैसे नाखून है। राजत यानी शोभित, तो उनके नाखून है शोभित। रुचिर यानी सुंदर, तो ये सुंदर लग रहे हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि उनके गले में बजरबट्टू की माला है, उनके हाथ में उनका वज्र
शस्त्र है और उनके नाखून सिंह के जैसे दिख रहे हैं और वो दूर से ही इतने सुशोभित लग रहे हैं। धन्य सुर एको पल इही सुर, धन्य सुर यानी सुरदास, इही यानी यह। तो धन्य है सुरदास जो एक पल के लिए किसी ने कृष्ण को देख लिया है। तो यहाँ सुरदास जी ने कृष्ण को देखा है, इसलिए कह रहे हैं कि धन्य है सुरदास कि जिन्होंने कृष्ण की ये एक छवि देखी है। का सत, सत यानी सौ, सौ कल्प, कल्प यानी 4,32,00,000 वर्ष की अवधि कह सकते हैं हम, अवधि कह सकते हैं उसको। तो ये अवधि यानी कितनी, तो 4,32,00,000 वर्ष की अवधि। अगर कृष्ण की छवि हम देख लेते हैं एक बार, अगर कृष्ण की छवि हमने देख ली तो ये 4,32,00,000 वर्ष तक की अवधि तक हमें उसका पुण्य मिल सकता है। तो यहाँ समग्र पद में सुरदास जी ने कृष्ण के रूप की प्रशंसा की है श्रृंगार रस के द्वारा। उन्होंने अपने मन में बसी कृष्ण की छवि को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। थैंक यू।